हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को जो जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं इतना टाइम निकाल के और हम लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं इस चैनल के थ्रू। हम मेरी एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हुई है, सुबह का टाइम हुआ है, बच्चों को अब धीरे धीरे उठा ही रहे थे। डैडी प्रिशा को उठा रहे हैं, थोड़ा सा लोशन कर रहे हैं क्योंकि बाहर हो गया है मौसम बिल्कुल रेनी रेनी सा, उमस तो हो ही रही है और साथ में फॉल सीज़न भी चल रहा है। सो बेसिकली थोड़ा सा पोलन्स का भी चक्कर हो जाता है और काफ़ी ड्राई स्किन हो जाती है। तो बस यही हो रहा था। तो प्रिशा को थोड़ा सा बॉडी लोशन कर रहे थे, फिर आदि को भी थोड़ा सा लोशन करेंगे, नारियल तेल लगाएंगे। नारियल तेल सबसे अच्छा रहता है और साथ में हम लोग अवीनो का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली बस अभी सुबह उठे हैं, सुबह का टाइम है, दोनों बच्चों को हम दोनों उठा रहे थे, बातें भी करते जा रहे थे और बच्चे एज़ यूजुअल उठने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उठना नहीं चाहते थे। बस हम लोग ही उन्हें फोर्स कर रहे थे कि उठ जाओ, ब्रश कर लो। तो बस, और मैं आपको बता दूं कि जब फॉल आने लग जाता है, स्प्रिंग टाइम होता है, तो हमारे घर में ह्यूमिडिफायर चालू हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है एनवायरनमेंट को थोड़ा ह्यूमिड रखने के लिए। घर के अंदर भी काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है। ये एक ऐसा मौसम होता है, ना ही आप ज़्यादा एसी चला सकते हैं, ना ही आप ज़्यादा हीटर चालू कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ह्यूमिडिफायर चलता रहे घर के अंदर, तो माहौल काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि बाहर की ह्यूमिड अलग होती है, घर की ह्यूमिड अलग होती है, घर में भी बहुत ड्राई ड्राई सा लगता है। तो बस हम लोग यहाँ पर उठ गए हैं और मैं आदि को ब्रश करा रही थी और प्रिशा को ब्रश करवा रहे थे डैडी, उसका मुंह धुला के अच्छे से। और डैडी ने प्रिशा के बाल पकड़ रखे हैं पीछे से ताकि अच्छे से उसको धुला सकें, क्योंकि बच्चियों के बाल ना काफ़ी ज़्यादा मुंह पे आते जाते हैं। सो बेसिकली उन्होंने तैयार कर दिया है प्रिशा को, मैंने तैयार करना शुरू करा है आदि को। सो बस हम दोनों यहाँ पर उन दोनों को कपड़े बना रहे थे और बच्चे खुद भी, वो बच्चों के डैडी तैयार हो रहे थे और बोले कि मैं नीचे आता हूँ। तो बस मैं नीचे गई हूँ, बच्चों के दूध वगैरह सब तैयार कर रही हूँ, चाय बन रही है, नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, दूध बन रहा है। सो बस यहाँ पे धीरे धीरे हम लोगों का ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो चला है और बाहर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पर्दे भी नहीं हटाए हैं और इतना ग्लूमी सा लग रहा है। इतना ज़्यादा डिप्रेसिव फीलिंग आने लग जाती है ना जब बाहर का मौसम एकदम अंधेरा अंधेरा सा लगता है, तो हमारे घर में भी लाइट चालू हो जाती है। तो बस यही चल रहा था यहाँ पर भी। मुझे मालूम होता है कि बच्चों को ठंडा दूध पीना है कि गर्म दूध पीना है कि वार्म दूध पीना है, पर फिर भी मैं रोज़ सुबह उन्हें जानबूझ के छेड़ के एक छोटी छोटी उनकी बड़ी की स्टाइल में उनसे पूछती हूँ, यू वांट अ कोल्ड दूध और हॉट दूध? और दोनों बच्चे बोलते हैं कोल्ड दूध, पर मैं हमेशा उन्हें वार्म दूध ही देती हूँ। सो बेसिकली, और बच्चे जब भी सुबह उठ के आते हैं तो हमेशा मुझे हग करते हैं, विच आई रियली लव इट, और मेरा दिन बन जाता है। तो आप लोग भी पेरेंट्स होंगे तो डेफ़िनेटली आपको भी पता पड़ेगा कि कैसे बच्चे अगर हग करते हैं तो कैसे दिन बन जाता है। सच्ची में आप सारी थकान और सारी चीज़ें भूल जाते हो कि अभी आगे चल के अगर कुछ मुश्किल भी वक्त आएगा तो सब आराम से कट जाएगा। तो बस यहाँ पे बच्चों का दूध भी तैयार हो गया है, हम लोगों की चाय भी तैयार हो गई है। सो बेसिकली, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम बिज़ी होते जाते हैं, जैसे दिन भर में कोई काम होता है उसको लेकर, और बच्चों के डॉक्टर अपॉइंटमेंट, अब तो बच्चों के डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी हुए हैं और बूस्टर शॉट भी आने वाला है, तो बस उसी की थोड़ी प्रिपरेशन हो रही थी, सोच रहे थे, माइंडसेट कर रहे थे कि कब आएगा और कब लगवाना है। और बस यहाँ पे चाय बन चुकी है, चाय को मैंने टेबल पे रखा है। जैसे कि मैं चाय कभी भी डायरेक्ट कप के अंदर नहीं जानती हूँ,
मैं पहले उसे कटोरे में छानती हूँ ताकि वो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए, उसके बाद ही मैं उसे कप में डालूँगी। कूल डाउन होने का मतलब ये है कि जो उसका खौलतापन सा होता है जो गैस के ऊपर से उतरती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम हॉट होती है, जिससे ज़बान भी जलती है और पीने में भी आसानी नहीं होती है। सो बेसिकली मैं उसे थोड़ा सा कूल डाउन होने देती हूँ और बस यहाँ पे चाय भी लगाई है, उधर किचन भी हाथों हाथ साफ़ करती जा रही थी मैं, ताकि बच्चों की बॉटल्स भी मैंने यहाँ रख दी हैं, किचन भी साफ़ करती जा रही थी, जो मेरी तपेली वगैरह है चाय के, और उसे भी मैंने खाली करके रख दिया है। सो बेसिकली मन तो ये हो रहा था कि थोड़ी देर और बैठ जाऊँ, लेकिन जल्दबाजी के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं सुबह के टाइम पे, जो रूटीन वर्क्स होते हैं वो इतने भाग भाग के करने पड़ते हैं। यहाँ पे प्रिशा भी आ गई है, प्रिशा की चोटी बना रही हूँ, बस चोटी बनाई है, वो थोड़ी सी शोइन ऑफ कर रही थी। बस बच्चों के यही तो छोटे छोटे से दिन होते हैं, छोटा छोटा सा उनका इतर आना और थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना, बस यही तो उनका थोड़ा टाइम होता है, अच्छा लगता है। और बस मैंने प्रिशा को तैयार कर दिया, आदि तैयार हो चुका है, डैडी ने अपनी चाय पी ली है, बस मैं अपनी भागते भागते चाय पी रही थी और आदि चाय हुई होगी और प्रिशा के जाने का टाइम हो रहा है स्कूल। बस यहाँ पे नीचे उतरे हैं, प्रिशा को डैडी जैकेट पहना रहे थे क्योंकि हल्का सा ठंडा तो हो गया है, जो छाती और पीठ के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, और बच्चों हम बड़ों को ही ठंडा लग जाता है तो वो छोटे छोटे बच्चों को तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, उनकी रनी नोज़ हो जाती है, ईचीनेस होती है और फिर कॉफ हो जाता है, खांसी होती है उन्हें। तो बस यहाँ पे डैडी ने जैकेट पहना दिया है, मैं पीछे से देख रही थी, प्रिशा को बहुत अच्छा लग रहा था, वो डैडी के साथ फ्रंट सीट पे बैठी है बस स्टॉप तक जा रही है, प्रिशा को बहुत अच्छा लगता है, प्रिशा एकदम से डैडी की परी बन जाती है, डैडी की एंजल छोटी सी। और बस यहाँ पे प्रिशा अपनी मस्ती कर रही थी अपने बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही थी, और मैं प्रिशा को बोल रही थी कि प्रिशा ऐसे करो ऐसे करो, बस इतराते हुए, बस उसकी बस आ गई है, प्रिशा की बस निकली है, अब मैं घर जाऊंगी, थोड़ी सी देर बैठ के अपनी बची हुई चाय पीऊंगी, और बस अब आदि के जाने का टाइम हो गया है यहाँ पे, और मैं बस आदि को लेके निकलूंगी थोड़ी देर में। बस मैंने अपनी बची हुई चाय पी ली है, आदि को छोड़ने का टाइम हो रहा है, आदि थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था एज़ यूजुअल, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी कुछ कुछ डिमांड्स होती हैं, लेकिन अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो वो थोड़े से अपसेट होने लग जाते हैं, तो फिर भी मैं उसे चीयर अप कर रही थी कुछ ना कुछ गाना गा गा के, जैसे इंडियन म्यूज़िक भी मैं कितनी बार गाती हूँ ला 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 ऐसे करके, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों बस बातें करते हुए जा रहे थे, मैं उसके साथ डिस्कस कर रही थी कि आज लंच और ब्रेकफास्ट में क्या मेन्यू मिलने वाला है, वो सारा खाना अच्छा लगेगा और फ्रेंड्स लोगों के साथ मस्ती करना, यही तो स्कूल लाइफ होती है, यही तो इन्जॉय करने के दिन होते हैं, अच्छे से इन्जॉय करो। बस यहाँ पर वो स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल में मैंने उसे ड्रॉप ऑफ करा है, और ड्रॉप ऑफ करके अब मैं वापस से निकली हूँ घर की तरफ, तो मेरा थोड़ा सा वॉक भी हो गया था बाय दैट टाइम, तो एक्चुअली ये पूरा पर्टिकुलरली 35 मिनट्स का वॉक हो जाता है मुझे आदि को ड्रॉप करने से लेकर वापस घर आने तक का। और उसके बाद जब मैं घर पहुँची हूँ, घर पहुँचने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि मैं पहले जाके नहा लूँ, क्योंकि पूजा भी करनी है, नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में गरबे भी कहीं कहीं पर हो रहे हैं यहाँ पर मोस्टली जगह पर वहाँ पर लिमिट्स हो रखी हैं, 50 पीपल पर टाइम रहेगा, पर नाइट रहेगा अलाउड, कितनी हमारे स्टेट में 50 पीपल्स हैं और अंडर द रूफ, और कितनी सारी जगह पे कहीं पे 100 हैं, कहीं पे 150 हैं, कहीं पे बिल्कुल ओपन फॉर ऑल है, लेकिन वैक्सीनेटेड कार्ड लेके जाना है। सो बेसिकली ये 2021 का पेंडेमिक में जो नवरात्रि चल रही है उसकी ये रूल्स हैं, पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं हुए थे, सो बस यही वाले चल रहे थे। तो मैं भी जा रही हूँ गरबे के लिए, जैसे मैंने गरबे का एक क्लिप डाला था आप लोगों ने देखा ही होगा, और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो आप लोगों को पता ही पड़ जाएगा, मैं उसमें डालूँगी अपने
डाल ही रही हूँ बेसिकली अपने फ़ोटोज़ एंड पिक्चर्स। सो आप लोग भी देखिए और जुड़ते जाइए, हम लोगों की छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। और मेरा नहाना हो गया है, मैं नीचे आई हूँ, भगवान की पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मुझे भगवान का खाना बनाने की तैयारी करनी है। और सबसे पहले मैंने किचन धो लिया है, तो किचन साफ़ कर लिया है। किचन में जो बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर लिए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अभी किचन साफ़ कर लिया है, बर्तन धुल चुके हैं। तो अब मेरा ये टाइम है, जब तक बच्चे नहीं आते हैं तब तक मैं थोड़ा सा अपना खाने की बनाने की प्रिपरेशन कर लूँगी। जितना ज़्यादा जितनी जल्दी कर सकती हूँ उतनी आसानी रहेगी, क्योंकि टाइम कहाँ बीत जाता पता ही नहीं पड़ता है। वैक्यूम भी करना था, वैक्यूम भी कर लिया है थोड़ा सा। और आज का जो दिन है वो बहुत जल्दी जल्दी का निकल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी पूजा होती है नवरात्रि की। जैसे सबके यहाँ होती है अपनी अपनी कुछ ना कुछ पूजा, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ भी नवरात्रि की पूजा हो रही है। तो मैं बेसिकली उसी के खाने की और वगैरह सब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि भगवान को भूख लगाना है, माता जी को भूख लगाना है। और बस यहाँ पे मैं देखती भी जा रही थी कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। बाहर का मौसम अभी भी बहुत डल है, बहुत ही ज़्यादा बादल छाए हुए हैं। ऑलमोस्ट 3-4 दिन से बस बादल ही छाए हुए थे, एक हफ्ता ही हो गया है। सूर्य देवता के दर्शन तो बिल्कुल ऐसे कभी कभी हो जाते हैं तो हो जाते हैं, बादल छटते हैं तो थोड़े से कोने कोने से झाँकते रहते हैं। तो बेसिकली मैंने थोड़ा सा अपना रोटी का आटा भी कर लिया था, इंस्टेंट पॉट में भी चला लिया था। और वो जब तक होगा तब तक मैं आदि को पिक करके आ जाऊँगी, आदि को पिक करूँगी, फिर प्रिशा को पिक करूँगी बेसिकली। और बस बच्चों के आते ही मुझे उन दोनों को नहला के तैयार करना है। तो हम लोगों का आज का ये छोटा सा ब्लॉग है, जो मैंने सुबह से लेके बच्चों के आने तक का जो भी एक्टिविटी थी वो सारी की सारी मैंने किस तरीके से अपने डेली रूटीन्स ख़त्म करे हैं उसका है, बहुत ही क्विक एंड फास्ट में। सो बेसिकली और आईडी मिलती हूँ आप लोगों के पूजा के टाइम पे। यहाँ पे प्रिशा की बस आ गई है और प्रिशा ने अब बहुत एक्टिव हो गई है, प्रिशा को अच्छा लगने लग गया है, प्रिशा धीरे धीरे करके स्कूल में एडजस्ट होने लग गई है। और बस यहाँ पे जब आदि प्रिशा आ जाते हैं साथ में, तो दोनों साथ में चलते जाते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें करते हैं। और मुझे ये मोमेंट्स क्लिक करना बहुत पसंद आता है, क्योंकि आगे चल के यही मोमेंट्स हैं, यही वीडियोस हैं जो मुझे याद दिलाएंगे। और प्रिशा को सडनली यहाँ पे मशरूम भी दिख गया है और मशरूम उसे बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी नवरात्रि गाइस, सो आप लोगों को हम लोगों की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और ये हैप्पी नवरात्रि 2021 है, जिसकी ये शारदीय नवरात्रि है। सो आप लोगों को सबको हैप्पी नवरात्रि हम चारों की ओर से, मेरे परिवार की ओर से। और हाँ, आप लोगों को ये ब्लॉग आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर करा है, आप लोगों को कैसा लगा एक बड़ा सा लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को का हिस्सा जरूर बनिएगा, फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और हाँ, सुंदर सुंदर कमेंट जरूर करिएगा। और इसी तरीके से फेस्टिव सीजन चल ही रहा है, तो आप सभी को सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से मनाइए और हम लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। काफी सारे लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आते जा रहे हैं मैसेंजर्स पे भी। और हाँ, हम लोग फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप लोग हम लोगों को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आईडी बाय एंड व्हाट वी ऑलवेज से गाइस, ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। बाय।